सामे जुनून ड्रामा अब इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए एक नया मोड़ ले चुका है। अब उसे जिला, जिसका लालच बोल बोल कर कह रहा है कि वो सिर्फ शानी को नहीं बल्कि उसकी हैसियत की वजह से उसके साथ शादी के लिए राजी हुई थी, और अब वो चाहती है कि शानजे का गुरूर तोड़े और उसकी सारी जायदाद खुद ले ले। इसी वजह से तो उसने शानी और शानजे की शादी करवाने का सोचा है। जब शानी शानजे से शादी कर लेगा तो उसे अपने ही कहे पर चलाएगी और उसे कहेगी कि उसका सब कुछ अपने नाम पर करवा लो। शानी जो सजीला के इश्क में इस कदर अंधा हो चुका है कि जैसे सजीला कहेगी वैसे ही करेगा, अब उसे सजीला का लालच नज़र नहीं आता। उसे सिर्फ ये नज़र आता है कि शानजे उसे टॉर्चर करती है और वो शानजे से शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि सजीला को खुश रख सके। अब शानी को कुछ ज़्यादा ही मासूम दिखा दिया गया है। अब शानजे और सजीला दोनों में से कौन अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? क्या शानजे शानी को हासिल कर लेगी और उसको दिल से अपना लेगा शानी, या फिर सजीला अपने लालच की वजह से सब कुछ ले लेगी और शानी को भी अपना कर लेगी? आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले नज़र आए।